कल परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज एवं पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास के प्रमुख डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी बाड़मेर जिले में स्थित तारा तारा मठ में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने बाड़मेर पहुंचे। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की तीसरी तथा पूज्य अवधेशानंद जी महाराज की बाड़मेर की ये पहली यात्रा थी। बाड़मेर आगमन पर लोगों ने पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज व डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का तिलक व आरती कर स्वागत किया। यहाँ पर बाड़मेर तथा आसपास के विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी राजस्थान की परंपरा अनुसार पगड़ी पहनाकर व माल्यार्पण कर अभिनंदन किया व आशीर्वाद प्राप्त किया। गत 13 से 18 फरवरी को थार नगरी बाड़मेर में स्थित तारा तारा मठ के वर्तमान मठाधीश शास्त्री प्रताप पुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रह्मलीन बाप जी श्री श्री 1008 मोहन पुरी जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व विशाल भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात ब्रह्मलीन बाप जी श्री श्री 1008 मोहन पुरी जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। तारा तारा मठ आगमन पर लोगों ने स्वामी जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज व डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का पुष्प वर्षा व चरणों में पुष्प डालकर स्वागत किया। महिलाओं ने तिलक व आरती किया व रक्षा सूत्र बांधे। एक ओर तारा तारा मठ से पहले संतों के सम्मान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने करीब 1 किलोमीटर तक लंबी कतार बना रखी थी, वहीं मठ परिसर के अंदर हजारों हजार की संख्या में लोग स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए खड़े थे। मठ के वर्तमान मठाधीश श्री प्रताप पुरी जी ने पूज्य स्वामी जी आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी व अन्य लोगों को ब्रह्मलीन मोहनपुरी जी महाराज का धूना एवं मठ परिसर का भ्रमण करवाया व उससे संबंधित कथाओं व इतिहास की विस्तृत जानकारी दी। परिसर के अंदर ही स्वामी जी महाराज व आचार्य जी महामंडलेश्वर जी ने चल रहे हवन में अपनी आहुति अर्पित की तथा मंदिर का उद्घाटन किया। इसके पश्चात सभी संत गणों ने मिलकर योग साधना भवन का अनावरण किया। योग साधना भवन के अनावरण के पश्चात स्वामी जी महाराज व आचार्य जी ने पत्रकारों से बातचीत की।
पत्रकारों से बातचीत के पश्चात स्वामी जी महाराज का आगमन मंच पर हुआ, जहां श्री प्रताप पुरी जी महाराज ने स्वामी जी महाराज व श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, स्वामी सुवेदानंद जी महाराज, राजस्थान प्रांत के लोकायुक्त श्री सज्जन सिंह कोठारी जी व सभी गणमान्य लोगों को तिलक व विशाल पुष्पमाला से माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। मंच पर ही ब्रह्मलीन मोहनपुरी जी महाराज की जीवनी से जुड़ी पुस्तक का विमोचन भी किया गया। स्वामी जी महाराज ने कार्यक्रम में आए लाखों लोगों को योग, स्वदेशी और गौ पालन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के पश्चात स्वामी जी महाराज व श्रद्धेय अवधेशानंद जी महाराज ने संपूर्ण संतों व कार्यक्रम में आए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए मठाधीश्वर श्री प्रताप पुरी जी महाराज को उस सुदूर मरुभूमि क्षेत्र में किए जा रहे अभूतपूर्व सेवा कार्यों के लिए सराहा और उनका सम्मान व अभिनंदन किया। मैं अधिक समय न लेता हुआ, जिनके हृदय में राष्ट्र बसा है, जिनके हृदय में राष्ट्र का संरक्षण बसा है, जिनके हृदय में राष्ट्र का संवर्धन बसा हुआ है, जिनके हृदय में हर समय एक ही भाव उमड़ता है कि मेरे राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, ये राष्ट्र स्वदेशी कैसे बने, ये राष्ट्र अपने आप में स्थित कैसे हो और स्थित होकर के शिखरस्थ कैसे हो, ऐसे पूज्य श्री हमारे मध्य में विराजमान है योग ऋषि बाबा रामदेव जी, जोरदार करतल ध्वनि से पहले उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और ये पावन मंच, तारा तारा धाम का ये पावन मंच हृदय से आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मैं पूज्य श्री से प्रार्थना करूंगा आप अपने उद्गार भाव इस पावन मंच पर प्रकट करावें। बोलिए सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म की, गौ माता की, भारत माता की जय। पूज्य मोहनपुरी जी महाराज की जय हो। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज की जय हो। आज इतने संत महापुरुषों का इतने भव्य रूप में, दिव्य रूप में दर्शन हो रहा है, तो मंच पर जो ऊपर विराजमान है, जो यहाँ हमारे सम्मुख विराजमान है, जो नीचे विराजमान है, एक बार सब संत महापुरुषों का, सब भक्तों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, हमारी ओर से भी उनको प्रणाम। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव कालेन फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। कहते हैं साधु चलता फिरता तीर्थ होता है, साधु की उपस्थिति मात्र हमारे लिए प्रेरणा होती है। साधु जिस पारमार्थिक परासत्य को, परम सत्य, शाश्वत नित्य सत्य को जीता है और व्यवहार में अपने जीवन में धर्म का जीवंत रूप होकर के हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष का, पुरुषार्थ चतुष्टय का आधान करता है, ऐसे संतों का दर्शन जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और ये सौभाग्य हम सबको उपलब्ध कराया पूज्य प्रताप पुरी जी महाराज जी ने, उनका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है।